सोलन के मिनी सचिवालय में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त सोलन केजी चमन ने की। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजन उप्पल भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस बैठक के दौरान जिला में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को कैसे रोका जाए, इस बारे में विस्तार से चर्चा की गई। उपायुक्त सोलन केजी चमन ने उपस्थित अधिकारियों को संक्रमण रोकने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर उपस्थित अधिकारियों ने अपने विचार भी उपायुक्त सोलन के समक्ष रखे और उन्हें संक्रमण को रोकने के सुझाव भी दिए। अधिक जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजन उप्पल ने बताया कि हिम सुरक्षा योजना के तहत लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इस अभियान के तहत जिला सोलन की 7 लाख जनसंख्या को ट्रैक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अभी तक 70% लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर ली गई है। पंचायतों में जाकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। उनके घर द्वार पर उनके टेस्ट हो, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अभी विभाग द्वारा 2000 लोग संभावित कोरोना संक्रमित हो सकते हैं, उन्हें आवश्यक सेवाएं दी जा रही हैं। ये हिम सुरक्षा अभियान जो चल रहा है उसके अंतर्गत हमारे को सोलन जिले की 7 लाख के करीब पॉपुलेशन को हमने कवर करना है, जिसमें से हमने तकरीबन 60-70% पॉपुलेशन हमने कवर कर ली है। और उसके अंतर्गत हमने ये 2000 के करीब लोग जो कि कोविड के सस्पेक्ट किए हैं उनके हमने टेस्टिंग लगातार कर रहे हैं। और इसके लिए हर ब्लॉक में हम तकरीबन 8 से 10 एक्स्ट्रा कैंप पंचायत लेवल पे लगा रहे हैं कि जिसमें लोगों को कोई परेशानी ना हो, उनके घर द्वार पे ही टेस्टिंग की जाए।